हमीरपुर जिले के चबूतरा के जंगल में 8 जुलाई को रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई नवविवाहित युवक की मौत को लेकर परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। रोती बिलखती हुई युवक की मां ने एसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की है। परिजनों के अनुसार मृतक युवक कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता है और युवक की हत्या की गई है। चबूतरा के जंगल में 1.5 सप्ताह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत को लेकर मृतक की मां व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की। मृतक की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे तथा वह यहां पर रोती रही। मृतक की मां का कहना है कि उनका पुत्र आत्महत्या के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। घर से लापता होने व बाद में शव मिलने तक पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उसने खुद जहर नहीं पिया, किसी ने उसे पिलाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है, जिससे पूरे रहस्य से पर्दा उठ सके। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि इसकी जांच की जा रही है तथा विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों के संदेह की भी पूरी जानकारी लेकर जांच की जाएगी। इसके लिए थाना प्रभारी सुजानपुर को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पिता से बोला हमने कि हमारा बेटा गुम हो गया है, उसकी तलाश की जाए। उसने कहा कि 24 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और हमें कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन फिर हमीरपुर को आए और फिर उसने ऐसे ही कहा, रिपोर्ट लिखी, फिर कहा कि इनको घर को ले जाओ। मैं गई, मैं ऐसे चिंता में पड़ी थी, मेरा बेटा नौजवान होया था कि गुम हो गया, कहीं नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने भी कहीं नहीं ढूंढा कि जा रहे थे हम, कहीं उस लोकेशन आ रही थी चबूतरा के पास, कुठेड़क लोकेशन आ रही थी। उन्होंने फोन नंबर को लिया और लोकेशन कटाई तो कुठेड़ा के पास जा रही थी लोकेशन, और उसके बाद फोन बंद आ गया था। हमने कई फोन किए पर हमारा कोई भी फोन नहीं लगा। हमें बेटा चाहिए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे बेटे को खोए हुए 12 दिन हो गए, उसका कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और किसी का मैं बेटा नहीं खोया, ऐसे मेरा बेटा खोया। मैं न्याय मिलना चाहिए। वो सुसाइड करने वाला नहीं था, वो लड़का नहीं करता सुसाइड, ऐसा लड़का नहीं था दुनिया में। मैंने ऐसे लड़का कहीं नहीं देखा, कहीं भी जाता था बोल कर जाता था कि आधे घंटे में गुरेज से आता था तो 7 बजे चलता था, 11 बजे घर में पहुंचता था, 8वें दिन आता था, कभी 15वें दिन आता था। तभी उसको कुछ नहीं हुआ, हमीरपुर से मेरा बेटा गायब हो गया। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। एक हसर मुझे नहीं पता किस पर सहको करूं किस पर नहीं करूं। उसको पता है, जो चला गया उसको पता है, किसके पास नहीं थी जी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई शराब नहीं पीता था, कोई बीड़ी सिगरेट कोई नहीं पीता था सर, किसी के साथ नहीं था। पता नहीं किसने उठाया मेरे बेटे को, मीरपुर से गगरेट से आता था रात को, 11 बजे पहुँचता था, तभी उसको कुछ नहीं हुआ और मीरपुर से गुम हो गया मेरा बेटा। और हमारे गाँव में ऐसा बकरा बीत चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे गांव की इस पुलिस रिपोर्ट की तहकीक अच्छी तरह की जाए और हमारे गांव के सारे सदस्य इकट्ठे होकर एसपी साहब से मिलने के लिए आए। जिन्होंने कहा तो मामला सर वहाँ पर हमने मौके पर देखा है, वहाँ पर सीसी रखी थी और उसके खाने का नहीं पता लगे हुए होगी, उसने खुद खाई है या किसी ने खिलाई है। केस है, उसका इंसाफ मांगते हैं। पुलिस की कार्रवाई से जान पर से पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा था कि हमीरपुर वाले भी पुलिस वाले जाएंगे, आपकी पड़ताल करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 11 दिन 12 दिन हो गए। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।